कुछ काउंसलिंग बताते हैं, परहेज या काउंसलिंग है। लोग क्या करते हैं कि वो करेंगे नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो करेंगे नहीं, सिर्फ दवा लेंगे। समझो आपने डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर आपको खांसी आ रही है और खांसी के लिए आपने दवाई लिया और डॉक्टर ने बोला कि खट्टी चीज मत खाओ, आप दवाई ले रहे हो और खट्टी चीज खा रहे हैं, दवाई कैसा असर करेगी? दवाई असर करेंगी नहीं। वैसा ही है कि हम जो दवाई देते हैं वो दवाई से 100% रिजल्ट है, मगर दवाई के साथ साथ हम बोलते हैं कि आप फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग करो, फ्री है, मुफ्त में है ऑनलाइन, 6 दिन का, 6 दिन टोटल, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे 12 दिन लगते हैं, वो फ्री वेबिनार है, वो फ्री वेबिनार अटेंड करो और फ्री वेबिनार में हमने आपको जो बोला हुआ है वो करो, मगर आप करेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे, बोले हमको दवा दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हम जो वेबिनार लेते हैं फ्री में, उसमें काफी सारे बातें हम सेक्स के बारे में करते हैं, जो बातें अदरवाइज आपको शायद मालूम नहीं है, और मालूम होंगी तो उसका इस्तेमाल आप करते नहीं हो। इसलिए कि हम दवा के साथ साथ जो काउंसलिंग करते हैं वो काउंसलिंग भी करना जरूरी है, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। यस, अखिलेश आपको समझ में आया? अनम्यूट करो और बोलो। हेलो हाँ सर, मैंने आपने बताया वैसा किया है और दवाई ली, दवाई लेता हूँ तब मेरे को असर रहता है सर, और दवाई बंद कर देता हूँ तो असर खत्म हो जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई दवा लेते हैं आप, मैंने सुना कि दवा लेते हैं तो आपका जी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, दवा छोड़ देते हैं तो आपको जी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम जो काउंसलिंग का बोलते हैं वो जी दवा छोड़ने के बाद में ही काम में आता है, जो हम काउंसलिंग में बोलते हैं। तभी आप जी फिर से एक बार काउंसलिंग का सेशन करो, मैं आपको लिंक दूंगा, फिर से एक जी बार काउंसलिंग सेशन करो, आप 2 बार 3 बार कितने भी बार करो काउंसलिंग सेशन, सेशन आपको जी फ्री में है, मुफ्त है, ठीक जी है, आपको फायदा हो जाएगा। यस कनक, कनक बोलो, कनक कनक नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरी शादी हुई थी 10 साल पहले। जैसे फर्स्ट टाइम जो टाइटनेस रहती है वजाइना में, आफ्टर टू टू या थ्री टाइम्स के बाद मेरे को बिल्कुल भी टाइटनेस महसूस नहीं हुई। मेरे को जब मैंने पेनिस अंदर डाला तो मेरे को बिल्कुल गरम गरम महसूस हुआ, बिल्कुल भी मत, मेरे को कहीं पे भी कोई टाइटनेस महसूस नहीं। ये क्या कारण है सर, मेरे को ये बताइए इसका क्या कारण है। इससे मेरे दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो चुकी है सर, मैं काफी परेशान हूँ, मतलब 24 घंटे यही चलता रहता है दिमाग में ये बातें। ठीक है ना, तो हाँ उसी जी के लिए हम क्या करते हैं कि हम आपको बोलते हैं कि भाई आपके साथ में हमारे डॉक्टर डिटेल कॉल करेंगे, ठीक है, डिटेल में कॉल जी करेंगे, डिटेल में आपकी हिस्ट्री लेंगे, फिर बाद में वो मेरे से बात करेंगे, हम चर्चा करके आपको यहाँ से दवा भेजेंगे ठीक और आपको दवा मिल जाएगी। दवा के साथ साथ हम बोलते हैं कि आप काउंसलिंग करो जो मुफ्त में है, तो हाँ जी आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। काउंसलिंग के साथ साथ हम जो बोलते हैं है ना, फर्स्ट हाँ एड जी फाउंडेशन, रवि कुमार फर्स्ट एड फाउंडेशन, ये हमारे टीम का पार्ट नहीं है, ये डुप्लीकेट माल चालू है बेचना, फर्स्ट एड फाउंडेशन जो है वो हमारे टीम का पार्ट नहीं है। मेरे नाम से हमारे यहाँ जो पहले लोग काम कर रहे थे हमारे से फूट गए और फूट कर उन्होंने अपना खुद का चालू किया और वो मेरे नाम पे बेचते रहते हैं, तो आप कृपा करके, सर, मतलब ये नहीं होना है। सर एक बात बोल सर, पर जो मैं बता रहा हूँ आफ्टर, उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी ऐसा कोई दोबारा महसूस नहीं है, मेरे को बिल्कुल नॉर्मल महसूस हुआ, मतलब टाइटनेस दोबारा आ गई थी, मतलब यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये मतलब क्यों हुआ ऐसा। मैं बोलता हूँ ना कि अभी आपको हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपके साथ में बातचीत करके बताएंगे, है ना,
आपकी हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि अभी अपना विषय जो आज का है ना वो हम कवर करेंगे, ठीक है ना। यस, तो बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको हमारे पास से दवाई लेना है, मेरे पास से यदि आपको काउंसिलिंग करवाना है, तो हमारे जो ऑनलाइन सेमिनार चालू रहता है उसमें ही आपको पेमेंट करना है। क्या है कि मेरे नाम से अभी इतना नाम हो गया हमारा इंडिया भर में, तो हमारे नाम से लोग दवाइयाँ भेजते हैं और वो दवाई के अंदर डब्बे के अंदर कुछ रहता नहीं है, खाली दवाई भेज देते हैं, फ्रॉड चालू है। हमारे नाम से सेमिनार लेते हैं, फ्रॉड चालू है, तो उससे बच के रहना है आपको। और इसलिए हम जब हमारा ऑनलाइन सेमिनार है वो ऑनलाइन सेमिनार में ही आप पेमेंट करते जाइए, ताकि आपको सही मिलेगा। क्योंकि अभी आप मेरे को लाइव देख रहे हैं, ये सेमिनार में लाइव देख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अभी हम चालू करेंगे कि भाई कितना बड़ा होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि एक तो पॉर्न वीडियो देख के या लोगों का देख के, बाकी अपने दोस्तों का देख के लोगों को लगता है कि भाई ये अपना छोटा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटा है तो आप अपने पत्नी को या अपने औरत को समाधान नहीं दे सकेंगे, ऐसा नहीं है। कितना भी छोटा रहे तभी आप समाधान दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो होता क्या है कि अलग अलग जो स्टडीज है उसमें ये मालूम हुआ है कि जो योनि रहती है औरत की योनि, योनि अंदर, वो 4 से 6 इंच अंदर रहती है, 4 to 6 inches, और उसका बाहरी हिस्सा जो है, उसका बाहरी हिस्सा, वो बाहरी हिस्सा जो है 1 से 2 इंच उसमें ही सेंसेशन रहता है, उसमें नर्व एंडिंग रहती है, सेंसिटिविटी रहती है बाहरी हिस्से में। तो आपने समझो ये लिंग है और ये लिंग अंदर डाल दिए, ये लिंग अंदर डालने के बाद में उसको यदि पूछा औरत को कि कितना लंबा है, तो बोलेंगे 2 इंच। क्यों, आपका तो 6 इंच है, फिर 2 इंच कैसा हो गया? क्योंकि उसको अंदर महसूस ही नहीं होता, अंदर कोई सेंसेशन नहीं है, सिर्फ 2 इंच का ही सेंसेशन उसको है। इसलिए 2 इंच से कितना भी बड़ा रहा तभी औरत को समझ में नहीं आता है कि कितना है, या पक्का ध्यान में रखो। तो औरत का समाधान होना आपके लंबाई के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, कि लंबाई कितनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जब आपका ढीला रहता है तो स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि एवरेज ढीलेपन में, एवरेज में 3 से लेके 3.25 इंच तक वो रहना चाहिए, 3 से 3.25 इंच लंबाई। 3 से 15,000 पुरुष वर्ग जो है, पुरुषों की ये लिया, इंटरव्यू लिया, उनको पूछा गया, उनको बोला कि आप लंबाई गिनो और बताओ, और उसमें मालूम पड़ा कि 3 से 3.25 इंच लंबाई रहती है जब ढीला रहता है, और जब टाइट हो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 5 इंच, ये एवरेज है, एवरेज बोल रहा हूँ, 5 इंच लंबाई होती है। और गोलाई का भी वैसे ही है, जितनी लंबाई है अंदाजन उतनी गोलाई रहती है, जितनी लंबाई ढीलेपन में है उतनी गोलाई ढीलेपन में रहती है, उतनी इंच, और जितना कड़कपन आने के बाद में लंबाई रहती है उतनी गोलाई कड़कपन आने के बाद में रहती है, राइट। तो छोटा कितना है सवाल ये आता है, भाई 1.5 इंच से कम है लंबाई में तो आप समझ लो कि अपना छोटा है, 1.5 इंच से कम है, क्योंकि उसके नीचे तो औरत को सेंसेशन शायद होगा भी नहीं, आपको भी मजा नहीं आएगा। 1.5 इंच से कम, और 1.5 इंच से कम है आपका, इसका मतलब ये है कि आप में सेक्स हॉर्मोन्स की शायद कमी होगी, या कोई जन्म से कोई प्रॉब्लम होगा, और इसके लिए आपका छोटा है। अदरवाइज 1.5 इंच से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों का क्या होता है कि जितना ढीलेपन में लंबाई है उतनी लंबाई कड़कपन में उतनी रहती, बढ़ती नहीं, वहां के वहीं, मगर कड़क हो जाता है, और कड़क हो गया तो फिर अंदर जाता है। तो कड़क होने के बाद में लंबा होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कड़क होने के बाद में जितनी लंबाई है उतना ही, उतनी लंबाई टिककर वो कड़क हो सकता है, वो कड़क हो सकता है। तो ये ख्याल में रखिएगा आप, ये क्या करना है। तो छोटा कितना चाहिए, 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए।
एवरेज कितना है? जब ढीला है तब 3 इंच, जब टाइट है तो 5 इंच। लंबाई बढ़ा सकते क्या? नहीं बढ़ा सकते, लंबाई बढ़ा नहीं सकते। आपका 3 से 5 इंच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके औरत को समाधान दे सकेंगे। हाँ, आपको ये लंबा करना ही है तो हम क्या करते, दवाई देते हैं। कुछ दवाई है हमारे पास में लंबा करना है तो, और दवाई देने के बाद में उसको तेल देते हैं और उसको बोलते कि रोज मल मसाज करो, ऐसा बाहर खींच, ये ऐसा खींचते जाओ, ये ऐसा खींचते जाओ, ऐसा रोज खींचते जाओ। फिर 10 मिनट आप उसको रोज खींचेंगे, रोज खींचेंगे, रोज खींचेंगे, हो सकता है 4-6 महीने में 1 से 2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा पाया गया है कि 1 इंच से 2 इंच का फर्क हुआ है कुछ स्टडीज में, तो फर्क पड़ सकता है। यदि आपको चाहिए लंबा ही चाहिए तो फिर आप पेनिस में इम्प्लांट डालो। एक रेडीमेड पेनिस आता है, वो रेडीमेड पेनिस कट करके अंदर घुसा देते हैं और अंदर घुसा के उसको लंबा कर देते हैं। तो वो कभी कभी कुछ जो इम्प्लांट आते हैं वो बैटरी के ऊपर रहते हैं, आप बैटरी ऑन करो वो लंबा हो जाएगा, और बैटरी ऑफ है तो वो ढीला हो जाएगा। तो इस तरह के रहते हैं, आप लंबा कर सकते हैं। और वो छोटा सा ऑपरेशन है वो करके बाहर से जो रेडीमेड मिलता है वो अंदर डाल के फिर लंबा छोटा कर सकते। 7 इंच से बड़ा है तो प्रॉब्लम हो सकता है, समझो किसका 8 इंच है, किसका 9 इंच है। उसको लोगों में ऐसा पाया गया है, मतलब 1,000 लोगों में एक व्यक्ति ऐसा रहता है कि जिसका 9 इंच है। तो इतना है जी, लंबा है तो अंदर तो ये हो जाना 6 इंच है। अब ढीलेपन में यदि वो 6 इंच है, 8 इंच है, 7 इंच है, तो टाइटपन में कितना लंबा होगा? और फिर वो अंदर जब जाता है तो वो अंदर योनि जब 6 इंच ही है तो अंदर वो अंदर जाएगा तो पूरा जा सकेगा नहीं, और वो हड्डी को अंदर जाके टिकेगा, अंदर जाके हड्डी को टिकेगा, नहीं तो अंदर जा ही सकेगा नहीं। तो इतना लंबा करके फायदा भी नहीं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैंने पहले बताया कि भाई लंबा है तो औरत को शांति मिलेगी, औरत का समाधान होगा, औरत को अच्छा लगेगा, तो ऐसा उसका कुछ भी अर्थ नहीं है। उल्टा ज्यादा लंबा है तो औरत को तकलीफ हो सकती है कि इतना लंबा अंदर लेना और सेक्स करने देना, उसमें औरत को तकलीफ हो सकती है। तो ये मैंने बताया आपको कि कितना लंबा और कितना छोटा होना चाहिए। हस्तमैथुन करना ही चाहिए, हस्तमैथुन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले बार मैंने बताया था। अभी बीमारी के लिए क्या है वो भी आपको बताता हूँ मैं, उसके लिए मैं कुछ वीडियोस अपनों स्लाइड्स आपको बताता हूँ। अभी बीमारी के लिए क्या है हमारे पास, तो बीमारी के लिए हमारे कुछ आपको स्लाइड बताता हूँ। मैं जो भी बताता हूँ साइंटिफिक बताता हूँ, साइंस जो मानता बताता हूँ, क्योंकि मैं MBBS, DPM, DNB और MD हूँ, तो साइंस क्या मानती है वो बताता हूँ मैं, साइंस जो मानता है। तो मैं जब बोलता हूँ कि हस्तमैथुन करने से कुछ नुकसान होता नहीं है तो ये मेरा कहना नहीं है, साइंस का कहना है। ये मेरे क्वालिफिकेशंस है, ये मेरे स्पेशलाइजेशन, हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी, साइकोसेक्सुअल डिसीजेज, अल्कोहल एडिक्शन, चाइल्ड साइकोलॉजी। ये हमारा हॉस्पिटल है, केयर हॉस्पिटल, ये सुनेत्र मानस हॉस्पिटल है, एक सिटी हॉस्पिटल है, ये नागपुर का हॉस्पिटल है, ये यूट्यूब चैनल है। ये हमारी टीम है, तो हम नपुंसकत्व का इलाज करते हैं, ईडी बोलते हैं ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन का इलाज करते हैं। सुहाग रात में क्या करना चाहिए, गर्लफ्रेंड के साथ में बातचीत करते करते चिपचिपा पानी आता है तो क्या करे, स्वप्नों दोष से हुई कमजोरी के क्या करे, तो ये काफी सारे सवाल है। आप ये बताओ कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, आपको कौन सा प्रॉब्लम है जिसके लिए आप हमारी दवा लेना चाहोगे, आपको कौन सा प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि जिसके लिए आप दवा लेना चाहोगे, चैट बॉक्स में डालिए। मैंने ये प्राइवेट कर लिया, शीघ्र पतन, ओके, शीघ्र पतन के लिए किसने बोला है, और
टाइमिंग, शीघ्र पतन, ओके। किसी ने लिखा है लंबाई के लिए, ओके। किसी ने लिखा है मॉर्निंग इरेक्शन के लिए, ओके। प्री मैच इजैकुलेशन के लिए, सेकंड इरेक्शन के लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि कितने लोगों को ये क्लियर हुआ, कितने लोगों को ये क्लियर हुआ कि हस्तमैथुन करना नॉर्मल है। यदि आपको ये क्लियर हो गया कि हस्तमैथुन करना नॉर्मल है, हस्तमैथुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं यस यस। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप यस कि हस्तमैथुन करना नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है ना, गुड गुड गुड। हस्तमैथुन से कुछ नुकसान होता नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके गुड। अभी हम आगे जाते हैं। स्वप्न दोष के लिए लोग हमारे पास में आते हैं, नपुंसकत्व के लिए आते हैं, है ना। लिंग टेढ़ा है करके हमारे पास में लोग आते हैं, टेढ़ा है। और टेढ़ा लिंग यदि एकदम टेढ़ा हो गया, ऐसा एकदम लिंग टेढ़ा हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम लिंग टेढ़ा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, देखो ऐसा एकदम ऐसा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा टेढ़ा इधर उधर चलता है, उसमें कोई नुकसान होता नहीं है। नाइट फॉल के लोग आते हैं, नाइट फॉल भी नॉर्मल है कि नाइट फॉल है। फिर धातु रोग के लिए लोग आते हैं कि जिनको धातु रोग हो रहा है, और ये पेनिस का लंबाई। अभी कभी कभी क्या होता है कि पेनिस की लंबाई बराबर रहती है और तभी भी लोग हमारे पास में आते कि छोटा है, ये कैसा क्या। एक तो क्या है कि लोगों ने अंदर तक अपना स्केल जो है, गिनने का स्केल पट्टी जो रहती है वो अंदर तक डालना चाहिए, और अंदर जो हड्डी है वहां तक जाके उसने प्रेस करना चाहिए। अंदर तक मतलब फैट में, लिंग को ये समझो लिंग है, उसको बाहर से लगाया स्केल पट्टी ऐसे यहां तक लगाया पूरा का पूरा, तो मालूम पड़ेगा कि जब आप अंदर तक यहां तक लगाते हो, स्किन में डीप जाते हो और पूरा गिनते हो तो लंबाई बराबर है। क्या होता है कि लोग बहुत मोटे होते हैं, पेट बहुत बड़ा होता है, मोटापा है, तो ऊपर से जब लिंग की तरफ देखते हैं तो काफी सारा फैट सामने दिखाई देता है, और उससे ऐसा लगता है कि लिंग छोटा है, हालांकि लिंग छोटा रहता नहीं है। राइट, तो आपको इसके बारे में बताया मैंने कि आपको लंबा करना है, तो लंबा यदि करना है तो जैसा मैंने बताया कि दवाइयां और गोलियां और तेल है, उसके साथ साथ वैक्यूम पंप भी है। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल आप करते हैं और रोज वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके उसको यदि खींच के रखते हैं अंदर, तो डेफिनेटली 4-6 महीने में आपको फर्क देखेगा कि आपका जो लंबाई गोलाई का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं। हस्तमैथुन के लिए लोग आते हैं, सेकंड टाइम करना है तो आते हैं, श्री संतुष्ट नहीं हुए तो आते हैं। काफी सारे प्रॉब्लम है, देखिए अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब टाइटपना नहीं आना, उससे सेक्स नहीं होता है। जब टाइटपना आता ही नहीं है तो सेक्स नहीं होता है, तो उसके लिए दवा लेने की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। और ये जो है, ये है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन। कारण क्या है, कारण बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, तनाव, फियर, डर, है ना, काफी सारे कारण हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के। और मास्टरबेशन हस्तमैथुन नॉर्मल है। इम्पैक्ट क्या है, यदि आपको सेक्स प्रॉब्लम है तो उसका इम्पैक्ट है कि झगड़ा, झंझट, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, रिश्ते में दूरी, अपराधीपन की भावना आना,
शकिलापन होना, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। अभी दवाइयां जो है उसमें एलोपैथी है, आयुर्वेदिक तेल है, मलम है, आपको जो चाहिए वो हमारे यहाँ मिल सकता है। आपका प्रॉब्लम हम समझ लेंगे पहले, हमारे डॉक्टर जो एक्सपर्ट डॉक्टर वो आपसे कॉल करेंगे और कॉल करके फिर मेरे से बात करेंगे और फिर हम आपको दवाई कल रवाना करेंगे। अलग अलग दवाइयाँ हैं, एलोपैथी है और दवाइयाँ एलोपैथी, कुछ आयुर्वेद दवाई भी हम देते काम पड़ा तो, लोकल लगाने के लिए एलोपैथिक स्प्रेज है, ऑइंटमेंट है, तो वो चलते रहता है। और ये अलग अलग गोली जो है हम बोलते कि ले लो, तो पानी के साथ में गोली लेना है, इकट्ठा 4 या 5 गोली जो भी आपको दी जाती है वो 4-5 गोली इकट्ठा खाना है। यदि आपकी शादी हुई है तो सेक्स करने के 2 घंटा पहले खाना है, शादी नहीं हुई है तो सोने के 2 घंटा पहले खाना है, राइट। तेल कब लगाना, मलम कब लगाना, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये मेन कोर्स है और तो ऑनलाइन क्लोज है, उसमें वीडियो देते हैं। एक मिनट है, छोड़ दो व्हाट्सएप कॉल। हाँ हाँ, तो ये स्टार्ट स्टॉप क्विज टेक्निक हम सिखाते हैं जब काउंसलिंग के लिए आप आते हैं तो, है ना। फिर हमारे वीडियोस काफी है, हम आपको वीडियो देंगे जब आप काउंसलिंग में आते हैं तो, काफी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, ये सब वीडियोस है। कीगल्स एक्सरसाइज हम आपको सिखाते हैं कैसे करना है, तो कीगल्स एक्सरसाइज ऑनलाइन कोर्सेज में करीब करीब सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है, सभी बीमारियां ऑनलाइन कोर्सेज, सब बीमारियां जो सेक्स उसके बारे में बोला हुआ है। नपुंसकता के लिए स्व सम्मोहन वो भी हम वीडियो देते हैं, शीघ्र पतन के लिए स्व सम्मोहन वो भी वीडियो देते हैं, और ये 5 प्रकार की गोलियां, तेल, मलम जो भी आपको चाहिए। तो इसका यह कैसा बताता हूँ आपको, फ्लो कैसा है। अभी आपका बुकिंग करेंगे, अभी आपका बुकिंग करेंगे, पेमेंट देगा। बुकिंग करने के बाद में आपको हमारे डॉक्टर साहब कल कॉल करेंगे, कल कॉल करके आपका पूरा हिस्ट्री लेंगे और हिस्ट्री लेके वो हिस्ट्री कागज मेरे पास में लाएंगे, मेरे से चर्चा करेंगे और आपको दवाई लिखेंगे, वो दवाई मेडिकल वाले के पास में जाएंगी कागज, और मेडिकल से आपको माल आएगा। ये जो दवाइयां हैं ये अप्रोक्सीमेटली 2800 से लेके 3100 तक पड़ती है, इसमें कुरियर का खर्चा भी होता है 100-150 रुपया। दवाई की कीमत करीब करीब 2800, 2900, 3000, 3100 ये रेंज में होती है। दवाइयां जो है वो 2 घंटा पहले लेनी पड़ती है, सेक्स करने के 2 घंटा पहले, और यदि आपकी सगाई ये शादी नहीं हुई है तो सोने के 2 घंटा पहले आपने लेना है। यदि आप सेक्स नहीं करते तो सोने के 2 घंटा पहले, और शादी नहीं हुई तो हफ्ते में 2 बार दवाई लेने की, शादी होती नहीं तो हफ्ते में 2 बार है, शादी हुई है तभी भी हफ्ते में 2 बार है। मेरे से आपसे रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप हमारा जो काउंसलिंग का सेशन है वो भी अटेंड कीजिएगा, ताकि आपको डिटेल उसके बारे में जानकारी मिलेगी, हम आपको एजुकेट करेंगे। तो ये जो मैंने 9 पॉइंट लिखे है इसमें से आपको कौन सी बीमारी, जरा डालिए मैं पढ़ता हूँ, आप कौन से बीमारी के लिए, कौन से प्रॉब्लम के लिए हमारे से हेल्प लेना चाहोगे। यस, मैं इसमें चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप नंबर डाल सकते हैं, 2 नंबर, 2 नंबर,
दो नंबर है, इन्होंने ऑलरेडी पे किया है बोलते। हाँ अनम्यूट कर ना? मैसेज डालना हाँ यस रोहित कुमार, यस ललित राम, दो नंबर दो नंबर दो नंबर। ओके ओके दो नंबर, वेरी गुड। ठीक है हरकत नहीं। तो ये दो नंबर के लिए ज्यादा लोग हैं जिनको दो नंबर का प्रॉब्लम है, अजून कॉल नहीं आना मंडल। अरुण राउत, अरुण राउत आपकी तो हिस्ट्री ली हुई है, आप बोलते कॉल आया नहीं, मेरे पास में तो आपकी हिस्ट्री है। अरुण राउत आप मुंबई से हैं, आपकी हिस्ट्री मेरे पास में लिखी हुई है और आप बोलते कॉल नहीं आया, फिर किसने हिस्ट्री लिया आपकी? अमर का है। यस अमर, यस। तो ये आपने लिखा है, वेरी गुड। तो फिर आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि एलोपैथी की गोलियां, एलोपैथी का मलम अथवा आयुर्वेदिक तेल, 60 वीडियोस का ऑनलाइन कोर्स, 6 Zoom सेशंस। ये सेशन 6 जो है लाइव सेशन ऐसे होंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये अलग अलग 4 5 प्रकार की गोलियां, ऑयल, मलम, इंजेक्शन, आवश्यकता अनुसार, जरूरत पड़ी तो देंगे नहीं तो नहीं। तो ये सब पूरा आपको मिलता है 28,995 रुपये में। और आपने ये सब पूरा कोर्स जो है वो हमने जो तैयार किया वो 14,999 रुपये दे रहे। यदि आप अलग 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 लेते हैं तो इसकी कीमत है 28,000। आप बंडल में लेते हैं कोर्स बंडल, टोटल फीस 14,999। हमने स्पेशल ऑफर आपको दे दीजिए है, स्पेशल ऑफर आपको जो दिए 9,999 आज के लिए स्पेशल ऑफर है। और चाहते हैं ऑफर, वेरी गुड। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा सेट आज यदि आप बुक करते हैं, आज यदि आप 150 रुपये भरते हैं और आज यदि हिस्ट्री देने के लिए आप तैयार है तो आपको ये 2,999 रुपये का मिल जाएगा, 2,999। उसके लिए करना क्या है? करना आपको क्या है कि वैसा एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेशन जो है वो 1,000 रुपये का आता है, 1,000 रुपये का कंसल्टेशन। आप आज यदि फी भरते हैं तो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर का कंसल्टेशन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि 150 रुपये भर के आप बुकिंग करो, एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे जो है वो आपको कॉल करेंगे, आपको कॉल करके आपकी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेके मेरे से बात करेंगे और हम फिर आपको मेडिकल शॉप से दवाई भेजने की व्यवस्था करेंगे। सिर्फ आज को, पता नहीं बाद में ये कब निकल जाएगा, ये कब कैंसिल हो जाएगा, मगर आज भी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 150 में अवेलेबल है। तो आप भर सकते हैं पैसे, और आपको पैसे भरने के लिए चैट बॉक्स में इंस्टामोज की लिंक डाली हुई है। देखो ये इंस्टामोज दिख रहा है आपको, इंस्टामोज दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, वो लिंक वहां क्लिक नहीं होती है, आपको यदि क्लिक करना ही है तो आपको चैट बॉक्स में जो लिंक आई है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। चैट बॉक्स में गूगल पे अपना काम नहीं कर रहा है ना भैया, गूगल पे फोन पे काम नहीं कर रहा है ना। ये तक का आप गूगल पे फोन के फोन पे के ऊपर पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए 9822570101 नंबर आपको दे रहा हूँ, 9822570101। तो इंस्टामोजू की लिंक है, ये इंस्टामोजू में आप पेमेंट करो और वो लिंक यहाँ क्लिक होती नहीं है, चैट बॉक्स में है, वहां जाके क्लिक करो। आपको सिर्फ 150 भरना है, फिर हमारे डॉक्टर साहब आपको कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद में फिर हम आपको लिंक देंगे और वो लिंक के ऊपर ही आपने पेमेंट करना है। वैसा पेमेंट मत करो, आपको गूगल पे फोन पे करना है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, वो नंबर पे ही फोन करो और नंबर पे ही पेमेंट करो।